अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी की समरी देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है वर्क की डेफिनेशन। वर्क हमारे पास क्या है? वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन आ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आपके पास कोई भी बॉडी वर्क कब करेगी? जब किसी बॉडी पर फोर्स लगे और बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में कुछ फासला, कुछ डिस्टेंस कवर करे आपके पास, तो बॉडी जो है वो वर्क करेगी। वर्क करने का आपके पास फार्मूला है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस। यहाँ पर एफ आपके पास फोर्स है, एस आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। वर्क का ऐसा यूनिट आपके पास जाउल है, जिसे कैपिटल जे से लिखा जाता है। नेक्स्ट आपके पास है, When we say that a body has energy, we mean that it has the ability to do work. आपके पास एनर्जी की डेफिनेशन है कि जब भी कोई भी बॉडी आपके पास, आप कहते हैं कि कोई भी बॉडी है जिसके पास एनर्जी है, तो उसका मतलब है उसमें काम करने की सलाहियत मौजूद है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जाउल। एनर्जी का ऐसा यूनिट भी जाउल है, द सेम एज वर्क, जो कि आपके पास वर्क का भी था। इसके अलावा आगे आपके पास एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स दिखाएंगे। नंबर 3 पे, एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स सच एज मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट आपके पास है हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। ये आपके पास एनर्जी की कुछ टाइप्स हैं जिनकी डिटेल्स आपके पास चैप्टर में मौजूद है। एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म। एनर्जी की एक टाइप को आप दूसरी टाइप में तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी के अंदर उसकी मोशन, उसकी हरकत की वजह से जो एनर्जी उसके पास होगी, वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी में उसकी पोजिशन की वजह से, उसकी पोजिशन में तब्दीली की वजह से जो उसके पास एनर्जी आएगी, वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं, ना हम उसको बिल्कुल तबाह कर सकते हैं, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बल्कि उसको एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, प्रोसेसेस इन नेचर आर द रिजल्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस। हमारी नेचर में हमारे जो भी काम हो रहे हैं वो सारे क्या हैं? एनर्जी की चेंजेस हैं, यानी कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो रही है। हीट फ्रॉम द सन कॉजेज वाटर ऑफ ओशन टू इवेपोरेट टू फॉर्म क्लाउड्स। लिखा हुआ है, सूरज से जो हमारे पास एनर्जी आती है वो क्या करती है? वो समुंदर के पानी को इवेपोरेट कर देती है, बुखारात में तब्दील कर देती है। क्या करने के लिए? बादल बनाने के लिए। एज द कोल डाउन दे फॉल डाउन एज रेन। और जैसे ही ये ठंडे होते हैं वो क्या होता है? फिर उसके बाद बारिश जो है वो पानी की फॉर्म इख्तियार कर लेती है, फिर बारिश बरसती है। नेक्स्ट हमारे पास है, आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी बाय इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन ने क्या प्रिडिक्शन की थी? आइंस्टाइन ने प्रिडिक्शन की थी कि आप मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। इंटर कन्वर्जन, मैटर और एनर्जी का आपस में एक दूसरे में तब्दील होना, या आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पर एम आपके पास मैस है, सी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है। नेक्स्ट हमारे पास है, फॉसिल फ्यूल्स आर नोन एज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज इट टुक मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर देम टू अटेन द प्रेजेंट फॉर्म। फॉसिल फ्यूल आपके पास नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज है एनर्जी के। नॉन रीन्यूएबल का मतलब है जिन्हें आप फिर से दोबारा से हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पास फॉसिल फ्यूल बनने के लिए कई मिलियन ईयर्स, कई मिलियन साल आपको लगते हैं दोबारा से उस चीज़ को, उसकी प्रेजेंट फॉर्म को हासिल करने के लिए, इसलिए वो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज के तौर पे जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, सनलाइट एंड वाटर पावर आर द रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सूरज की लाइट एंड
पानी जो आपके पास है, वाटर पावर, ये सारे जो हैं वो आपके पास रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, यानी इनको दोबारा से आप हासिल कर सकते हो, इससे दूसरी चीज़ें और भी हासिल कर सकते हो। दे विल नॉट रन आउट लाइक कोल, ऑयल एंड गैस। ये सनलाइट और पानी जो है वो कोयले की तरह, ऑयल की तरह या गैस की तरह पे ख़त्म नहीं हो सकता है, इसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, एनर्जी क्राइसिस के इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज पोल्यूशन, इमिशन कंसिस्टिंग ऑफ नॉइज, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन मे अराइज बाय यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज फोसल फ्यूल्स, न्यूक्लियर एनर्जी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम एनर्जी की ये टाइप्स हैं फोसल फ्यूल्स और न्यूक्लियर एनर्जी, इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी, माहौलियाती आलूदगी होगी, जिसमें आपके पास क्या है, शोर है, हवा की आलूदगी है, पानी की आलूदगी है, ये सारे जो हैं वो डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज की वजह से पैदा हो रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है पावर, नेक्स्ट आपके पास एफिशिएंसी है। द रेशियो ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय आ डिवाइस और मशीन टू द टोटल एनर्जी टेकन बाय इट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। आपके पास एफिशिएंसी क्या है, वो रेशियो है जो किसी भी डिवाइस से आप यूजफुल वर्क लेते हो कि और इसे आप टोटल एनर्जी कितनी देते हो उसके बाद, तो आपके पास एफिशिएंसी कहलाएगी। पावर को डिफाइन करेंगे, पावर इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की शरह को पावर कहते हैं, कि कितने सेकंड में कितना वर्क किया गया वो आपके पास पावर कहलाएगी। पावर का आपके पास ऐसे यूनिट है, द पावर ऑफ अ बॉडी इज़ 1 वाट विच इज़ डूइंग वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। आपके पास पावर का ऐसे यूनिट वाट है, और आपके पास 1 वाट पावर कब होगी, जब कोई भी बॉडी 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करेगी तो आपके पास उसकी पावर 1 वाट होगी। ये आपके पास चैप्टर नंबर 6 की समरी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में यूनिट नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।